हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 24 मार्च और 25 मार्च दोनों दिन के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कवर करिएगा। और ध्यान रखिएगा, ये रेफरल कोड, जब भी आपको अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना हो, इस रेफरल कोड की मदद से आप मैक्सिमम डिस्काउंट अन अकेडमी पर अवेल कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट फॉर कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया। आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस के केसेस से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से कितने रुपए का आवंटन किया गया है। तो भारत सरकार की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आप सभी को याद होगा, कल रात में 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वजह से पूरे कंट्री को एड्रेस किया है। उसी दौरान उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी किया कि 15,000 रुपए देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवंटित किए जाते हैं। आगे और भी जितनी जरूरत पड़ेगी इसको एक्सपेंड किया जाएगा, बट अभी हाल ही में 15,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। तो ये पहला अमाउंट है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री। भारत ने अभी हाल ही में एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है। सबसे पहले तो ये जानो कि एक्सट्राडिशन होता क्या है। एक्सट्राडिशन का मतलब है यहां पर जब दो कंट्रीज के बीच में एक्सट्राडिशन पैक्ट साइन होता है, तो एक कंट्री का मुजरिम, सपोज ये मान लीजिए ये यूएई है, ठीक है, और ये है भारत, तो भारत का कोई भी मुजरिम अगर यूएई जाकर छुप जाता है, तो यूएई अगर उसके ऊपर केस चला रहा है, ठीक है, तो भारत इस मुजरिम को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने कंट्री में भी ट्रांसफर करा सकता है उसका केस। लाइक अगर बात करी जाए यूके की, तो विजय माल्या यूके में है, तो भारत यूके से विजय माल्या को लाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत और यूके के बीच में एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट प्रॉपरली होगा तो वो यूके से आसानी से निकाल लेते विजय माल्या को, लेकिन वो नहीं निकाल पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि हमारे और यूके के बीच में एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट नहीं है। तो अभी हाल ही में भारत ने बेल्जियम के साथ एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट साइन किया है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज फर्स्ट टू अनाउंस्ड लॉकडाउन फॉर कोरोना वायरस। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है भारत का जो कि पहला ऐसा राज्य बना जिसने कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया। ये बना था राजस्थान। अभी तो देश भर के पूरे 22 राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है और कल रात से किया जा चुका था, सॉरी, बट कल रात 8 बजे से पीएम नरेंद्र मोदी के अनाउंसमेंट के साथ ही पूरे देश भर में लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। लेकिन पहला स्टेट आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन को लेवाई किया था। और वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दिया करें, लाइक आप लोगों के कम रहते हैं, कमेंट्स ज्यादा रहते हैं। आप लोग जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हो उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उतना ही अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू स्प्रेड हाउ मच कैश करेंसी इन मार्केट टू मेंटेन स्टेबिलिटी। देखो, आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन चल रही है पूरे देश भर में, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारा ऐसा पैसा है जो कि मार्केट में नहीं आ पा रहा है। मैं जब भी आपको इकोनॉमी पढ़ाता हूं तो वहां पर आपको बताता हूं कि जब भी हम मार्केट में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन होती है। उस टाइम पर पैसा मार्केट में रहेगा तो मार्केट में मनी फ्लो बना रहता है, लेकिन अभी ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि कैश करेंसी मार्केट में फ्लो करने जा रहे हैं कितने की, 30,000 करोड़ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और आरबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। आरबीआई के गवर्नर इस टाइम पे कौन है, शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोविड-19। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च करी है। ये वेबसाइट आपको कोरोना वायरस रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करती रहेगी। तो ये वेबसाइट लॉन्च करी गई है G7 ग्रुप के द्वारा। अब ये जो G7 है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में।
और G7 का हेडक्वार्टर क्या है? इसको बोलते हैं टॉर्मिना। क्या बोलते हैं? टॉर्मिना। और ये कहां का शहर है? ये इटली का शहर, इटली। इटली की कैपिटल है रोम। ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या भी इटली में ही है। तो G7 का हेडक्वार्टर ध्यान रखिए टॉर्मिना, और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ऑन विच डेट। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम लोग किस दिन मनाते हैं हर साल? इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, इसको हर साल हम लोग 23 मार्च वाले दिन मनाते हैं, जिस दिन शहीद दिवस भारत में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? 2020 की थीम है क्लाइमेट एंड वाटर। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव टू गिव ड्राइविंग लाइसेंस टू हूम। अभी भारत सरकार ने अनाउंस किया कि भारत सरकार इनमें से किस तरीके के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो भारत सरकार ने अनाउंस किया कि ऐसे लोग जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा। हालांकि उन्हें रंगों को पहचानने में दिक्कत है, लेकिन इनकी वजह से, इस एक प्रॉब्लम की वजह से उनकी बाकी ड्राइविंग की काबिलियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से। इस वजह से कलर ब्लाइंड पीपल को अब ड्राइविंग लाइसेंस भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन यही है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए किस विटामिन की कमी से कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान रहे, मैं नाइट ब्लाइंडनेस नहीं पूछ रहा हूं, कलर ब्लाइंडनेस आपसे पूछ रहा हूं। विच स्टेट हैज बिकेम फर्स्ट टू अप्लाई कर्फ्यू। आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिन्होंने अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया। यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। पंजाब सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने कर्फ्यू लगाने की कंडीशन समझी अपने राज्य में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, और आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान हैज बिकेम द विच टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर चुकी है और यहां पर बीजेपी ने अपनी फिर से सरकार बना ली है और शिवराज सिंह चौहान को एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर कौन सी बार सर्व कर रहे हैं? ये चौथी बार इस बार चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हॉस्पिटल हैज बिकेम द फर्स्ट COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल कौन सा बना है जिसको स्पेशली कोरोना वायरस के केसेस के ट्रीटमेंट के लिए ही डेडिकेट कर दिया गया है। यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हॉस्पिटल। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑन विच डेट। हर साल ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग मनाते हैं किस दिन? ये मनाते हैं 24 मार्च को। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और 2020 की इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम बड़ी सिंपल सी और छोटी सी है, इट्स टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज बिकेम फर्स्ट टू इंडक्टेड विद टेसर गन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत की एक कौन से राज्य की पुलिस है जो कि पहली ऐसी राज्य पुलिस बन गई है जिसको टेसर गन मिली हुई है। टेसर गन का मतलब समझते हैं? आप लोगों ने मे बी मूवीज वगैरह में देखा होगा, फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर पुलिस इसका यूज करते हैं, अब इसका पुलिस भारत में भी यूज कर पाएंगे। ये एक ऐसी गन होती है, इसमें आप देख रहे हो ये फिलामेंट जैसा आपका तार लगा हुआ है, ये आपको करंट का झटका देने के लिए यूज करी जाती है। इसको, इसका जो मेन मकसद होता है, वो मेन मकसद ये होता है कि करंट टाइम पर टेम्परेरी बेसिस पर एक तरीके से पैरालाइज कर देती है पर्सन को। उस टाइम पर वो व्यक्ति उठ नहीं पाएगा, इतना तगड़ा इससे करंट का झटका लगता है। तो एक क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज करी जाती है कि वो हाथ पैर ना ज्यादा चलाएं, फिजिकली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें कंडीशंस पुलिसमैन के साथ। इस वजह से टेसर गन का यूज किया जाता है पुलिस के द्वारा। तो ये राज्य सरकार है गुजरात सरकार। गुजरात सरकार ने अपनी गुजरात पुलिस को टेसर गन इंडक्ट करी है। यहां पर विजय रूपानी की सरकार है और यहां पर गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सुपर कंप्यूटर इज टू सेट अप इन डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन अप्रैल 2020। अगले महीने मतलब अप्रैल 2020 में कितने सुपर कंप्यूटर भारत के कई शिक्षा संस्थानों में सेटअप किए जाएंगे? 3 सुपर कंप्यूटर लगाए जाएंगे फिलहाल।
अप्रैल मंथ में। एक लगेगा आईआईटी कानपुर में, दूसरा लगेगा आईआईटी हैदराबाद में और तीसरा लगेगा जेएन सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो कि स्थित है बेंगलोर में। इन तीनों जगहों पर एक एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना करी जाएगी। उसके बाद सेकेंड फेज में अनदर आईआईटीज एनआईटीज में भी इसको सेटअप किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिल्ली गवर्नमेंट बजट 2020, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर कोरोना वायरस केसेस। कल मैंने आपको बजट का भी वीडियो दिया है, उम्मीद करता हूं आप लोग उसे देख चुके होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हमें शायद अभी आप लोग ना समझें, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है भारत की, इस वजह से दिल्ली की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा देश का बजट। तो इस वजह से उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, इसी चैनल के वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दो दिन पहले ही मैंने इसको अपलोड किया हुआ है, प्लीज आप लोग उसे देख लें, उसमें बहुत ज्यादा वाइटल कंटेंट मैंने दिया हुआ है। और ये भी बताया था कि कोरोना वायरस के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कितने रुपए यहां पर दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कोरोना वायरस के लिए 50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है यहाँ पर। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू प्रोवाइड फ्री फूड टू पुअर फॉर वन मंथ। आपसे कह रहा है एक महीने के लिए मुफ्त खाना दिया जाएगा गरीबों को, किस राज्य सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश में हर गरीब को, और वो व्यक्ति जो कि डेली बेसिस पर काम करता है, जो कि लेबर वगैरह हैं, जिनको डेली काम करना होता है, डेली कमाना होता है, तो जाहिर सी बात है वो बाहर काम करने तो जा नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास पैसे भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को फूड सप्लाई करी जाएगी, उनको अगले एक महीने तक खाना सरकार की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है, ये है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज डेज खलेड़ा जिया, क्या नाम है इनका, इनका नाम है खलेड़ा जिया, ये भी न्यूज में चल रही है, शी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये बांग्लादेश से एसोसिएटेड है। बाय द वे आपको बता दूं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ये रह चुकी हैं, दो बार इन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का कार्यकाल सर्व किया है, एक तो 1991 से लेकर 96 तक और दूसरी बार 2001 से लेकर 2006 तक। तो ये दो बार इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल सर्व किया है। उसके बाद इनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे जिसकी वजह से ये जेल में थी, तो अभी जेल से इनको बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, कोरोना से ये संक्रमित ना हो, इस वजह से इनको रिलीज कर दिया गया है। ओके, बांग्लादेश में सरकार किसकी है, यहां पर शेख हसीना की सरकार है। बाय द वे एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि खलेड़ा जिया की पार्टी का नाम क्या था, इनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और यहां पर शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, कतर की कैपिटल है दोहा और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। बांग्लादेश की आपको पता ही होगा ढाका, ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज मेड एन एक्ट अगेंस्ट दोज हु हाइड ट्रैवल हिस्ट्री एंड गेट इन्फेक्टेड बाय COVID-19। क्वेश्चन का मतलब समझो, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी राज्य सरकार या फिर यूटी है जिन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसा नियम बनाया है जिसके तहत ये बताया गया है कि अगर कोई भी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति ऐसा पाया गया जिसने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो ये है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये एक्ट अभी हाल ही में पास हो गया है फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अब्दुल लतीफ हैज पास्ड अवे, अभी हाल ही में अब्दुल लतीफ का निधन हो गया कल के दिन। ही वाज अ, ये क्या थे, ये थे फुटबॉलर, बड़ी मुश्किल से इनकी फोटो मिली हुई है, अदरवाइज बहुत सारे अब्दुल लतीफ आपको गूगल में मिलेंगे, आप जल्दी से इन्हें सर्च नहीं कर पाओगे। जब तक आप अब्दुल लतीफ फुटबॉलर नहीं गूगल पे डालोगे तब तक आप इनको सर्च नहीं कर पाएंगे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 73 साल की उम्र में। और ध्यान रखिएगा 1970 के जो एशियन गेम्स हुए थे जिसमें भारत ने पार्ट लिया था, उसमें ये भारत की तरफ से खेले थे और भारत ने 1970 में ब्रोंज जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ बुक द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का नाम है द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है मार्च के ही महीने में। बुक इज बेस्ड ऑन होम, आपसे कह रहा है ये किताब किसके ऊपर लिखी गई है, द इटर्नल स्क्रीन गॉडेस, ये किताब लिखी गई है
श्री देवी के ऊपर। और इसके ऑथर कौन है ये भी ध्यान रखिएगा, इसके ऑथर का नाम है सत्यार्थ नायक, सत्यार्थ नायक की ये किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ टेक्स्टिंग फैसिलिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस फेक इंफॉर्मेशन। आपसे कह रहा है ये कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन चारों में से जिसने अभी हाल ही में एक ऐसा इंटरफेस लॉन्च किया है जिसपे कि अगर कोई भी कोरोना वायरस रिलेटेड फेक न्यूज आपको मिलती है और आपको क्लैरिफिकेशन करना है कि ये इंफॉर्मेशन कितनी जेन्युइन है या फिर नहीं है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके टेक्स्ट कर सकते हो और डायरेक्ट आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लाई आएगा। तो ये है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट आपको रिप्लाई मिलेगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अगर कोई भी फेक न्यूज आपको मिलती है तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो WHO से। और यहां पर WHO ने ये जो अपना इंटरफेस है इस टेक्स्टिंग इंटरफेस को कहां पर लॉन्च किया है, इन्होंने इसको फेसबुक पर लॉन्च किया है। WHO की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। WHO को एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में और WHO के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इस बार आपने देखा कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के TCS ने प्रेसिडेंट पूछे थे, तो प्रेसिडेंट भी मैं इसीलिए बताता हूं, तो ध्यान रखिएगा इसके प्रेसिडेंट है इस टाइम पे, इनका नाम है टेड्रोस एधनोम, टेड्रोस एधनोम। ध्यान रखिएगा यूनेस्को ने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के साथ भी पैक्ट साइन किया था जिसके तहत ये राजस्थान सरकार के हेरिटेजेस एंड कल्चर को प्रमोट करेंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन एंड अपडेट के लिए प्रेस कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिए अपना, अपने घर पर भी सभी में अवेयरनेस फैलाते रखिए, हाथों को सैनिटाइज करके रखिए और हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।